सो सेटिंग्स के सब एरिया अभी तक आपने देख लिए। एक एरिया जो कि बहुत क्रूशल रहेगा आपके इस लर्निंग जर्नी में, इसका नाम है परमालिंक्स। ये लफ्ज अपने जहनों में बिठा लें, बिकॉज इस लफ्ज की वजह से आप अपना फ्यूचर डिफाइन करेंगे। आप डिफाइन करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर या स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं कि नहीं। सो क्या है ये परमालिंक्स एंड व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? बट बिफोर आई गेट टू दैट, याद रखें कि जो सेटिंग्स का एरिया, दैट्स वर्डप्रेस का ब्रेन। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एरिया एंड बी वेयर कि अगर आप कोई भी छोटी मोटी सेटिंग ऊपर नीचे करेंगे, यू कैन डू अ लॉट ऑफ हार्म टू योर वेबसाइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इससे पहले कि परमालिंक्स और सेटिंग्स के बारे में जाएं, लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि परमालिंक्स होते क्या हैं, क्यों जरूरी हैं। परमालिंक्स जो लफ्ज है, दैट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, परमानेंट लिंक्स। सो परमालिंक्स क्यों जरूरी हैं? जब भी गूगल पे आप जाके कोई साइट को सर्च करते हैं, तो गूगल आपको कुछ लिंक्स देता है। दोज आर एक्चुअली लिंक्स टू दोज पर्टिकुलर वेबसाइट। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में, ये लफ्ज आप बार बार सुनेंगे कि परमालिंक्स परमालिंक्स परमालिंक्स। भाई आखिर क्या होता है परमालिंक्स? परमालिंक्स आर द लिंक्स टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और शुड आई पुट इट मोर एप्टली कि परमालिंक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक्स ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपकी जो पोस्ट हैं, आपकी जो पेजेस हैं, आपकी जो कस्टम पोस्ट हैं, उनके लिंक्स का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परमालिंक्स। सो परमालिंक्स टेल अ सर्च इंजन कि आपकी साइट क्या है, क्यों है, और किस तरह का कंटेंट आपकी साइट पे एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई परमालिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये सुना होगा लव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, और आप काफी ज्यादा ये लव सुनेंगे भी। एंड यू विल एक्चुअली वर्क विद एक्सपर्ट्स लाइक उस्मान लतीफ, हु इज रनिंग एसईओ कोर्स ऑन डीजी स्किल्स। उनके कोर्स को भी साइन अप करना ना भूलिएगा, वो आपको ज्यादा इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये है कि परमालिंक्स को इग्नोर ना करें। सो गूगल जब भी कोई कंटेंट इंडेक्स करता है, तो गूगल देखता है कि इसके परमालिंक्स कैसे हैं, और अगर वो एसईओ से रिलेटेड हो या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड परमालिंक्स हो, गूगल विल रैंक योर वेबसाइट वेरी हाई। एंड आर ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वन दैट्स रनिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट इज कि वी गेट मोर ट्रैफिक, वी गेट मोर यूजर्स, एंड वी ट्राई टू मेक मोर मनी। दैट मनी कैन बी थ्रू सेलिंग प्रोडक्ट्स, दैट मनी कैन बी बाय रनिंग एड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्रूशल फॉर अस कि हम वही सेटिंग्स पे फोकस करें विच आर मोस्ट ऑप्टिमल फॉर अ गुड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स। तो भाई परमालिंक्स की इतनी ज़्यादा बात कर ली, अब थोड़ा सा देखते हैं कि परमालिंक्स हैं क्या और इनकी सेटिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो द परमालिंक्स सेटिंग्स एनेबल यू टू कन्फिगर द URL फॉर्मैट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर व्हेन समवन ब्राउज़ेस योर वेबसाइट। तो परमालिंक्स वो छोटा सा लिंक है जो आपकी वेबसाइट पे नजर आएगा जब लोग आपकी वेबसाइट को ब्राउज करेंगे, और कभी कभी तो उस लिंक की वजह से ही लोगों को पता लग जाता है कि ये साइट किस बारे में है और इसका कमेंट या कंटेंट क्या होगा। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट विल हैव इट्स ओन परमालिंक्स फॉर्मेट, जिसमें एक मैं भी आपको दिखाऊंगा नंबर नजर आ रहा होता है, बट यू कैन चेंज दिस to make it a more user friendly URL or a more SEO optimized URL. और SEO optimized URL क्या होते हैं, we will get to know in a bit. जिस तरह की मैंने आपको बताया कि ये सारी options they help you with SEO. It's very crucial कि आप permalinks को देखें और आप इसके बारे में जाके पढ़ें कि permalinks कैसे site को ज़्यादा SEO optimize करने में help करते हैं। To change the URL of your website, you will simply go to settings in permalinks and वहाँ पे आप radio button options आपके पास कुछ होंगे, उससे select करके कोई common permalink options है वो select कर सकते हैं, या you can use a specific customized format to change permalinks. So जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके पास एक list है
उस लिस्ट में से आप परमालिंक ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप एक कस्टम स्ट्रक्चर भी अपने परमालिंक्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैटेगरी के बेस यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो नाउ दैट वी हैव लर्न्ड सो मच अबाउट परमालिंक्स, क्यों ना मिलके इसको ज़रा ट्राई करें और देखें कि परमालिंक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे ये हमारी साइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फेमस वेबसाइट्स पे ले जाना चाहूँगा और उनके परमालिंक्स दिखाऊंगा। सो वील गो टू प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के, हम ये साइट खोलेंगे। सो जैसे कि आप प्रो पाकिस्तानी का यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रो पाकिस्तानी का एक यूआरएल स्ट्रक्चर है जिसमें उनके नाम सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट किया, साथ ही साथ उसके बाद ईयर है, मंथ है और डे है और फिर कीवर्ड्स है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड बाय एसईओ एक्सपर्ट्स एंड बाय वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स एज वेल, क्योंकि आपके परमालिंक में आपके कंटेंट की रेलेवेंसी, टाइम फ्रीक्वेंसी नज़र आनी चाहिए, आपकी वेबसाइट का कीवर्ड नज़र आना चाहिए और साथ ही साथ जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स नज़र आने चाहिए। सो नाउ व्हाट वील डू इज़ वील गो लाइव ऑन आर साइट एंड वील सी हाउ वी कैन चेंज परमालिंक्स। परमालिंक्स जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मेरी वेबसाइट के परमालिंक्स बड़े सिंपल से हैं और वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरी वेबसाइट के परमालिंक है जिसमें सिर्फ पी के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट फॉर परमालिंक्स ऑन वर्डप्रेस, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एसईओ पर्पसेस। सो आपसे सजेशन ये कि आप इसको किसी और फॉर्मेट पे चेंज कर लें। सो आई लाइक द मंथ एंड द नेम, तो मैं उसको मंथ और नेम से सेव कर लूँगा एंड नाउ आई विल सी कि मेरी पोस्ट कैसे अपडेट होती है। सो आप देख रहे हैं कि मेरी पोस्ट में टॉप पे कीवर्ड्स आ गए, मंथ आ गया है और साथ ही साथ ईयर भी आ गया एंड द परमालिंक हैज चेंज्ड। सो इसी तरह अगर मैं कोई कस्टम परमालिंक बनाना चाहूँ तो आई कैन ऐड डे एज वेल। लेट मी ट्राई एडिंग अ कस्टम स्ट्रक्चर जिसमें ईयर होगा, मंथ होगा, डे होगा और ऑथर भी होगा। सबको मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं अपने देखता हूँ कि मेरा परमालिंक कैसे चेंज हुआ। सो यू कैन सी द परमालिंक हैज चेंज नाउ। पोस्ट नेम डालना मैं भूल गया था, पोस्ट नेम भी डाल देते हैं। अब देखते हैं कि हाउ द परमालिंक चेंजेस। सो दिस परमालिंक हैज़ नाउ चेंज्ड। अब इसमें मेरा नाम भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, डेट भी आ रही है। तो ये आप पे है कि आपने परमालिंक कैसे डालने हैं। उसके अलावा कैटेगरी बेस का भी आप परमालिंक चेंज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है प्राइवेसी में। ये वर्डप्रेस ने एक नई फीचर डाली है जो कि पहले वर्डप्रेस में नहीं होती थी, कि अब आप सेटिंग्स में प्राइवेसी का भी एक पेज है जो आप डिफाइन कर सकते हैं। हमने इस पर डेडिकेटेड लेसन नहीं बनाया हुआ, बट वी वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर दिस पार्ट एज वेल एंड क्रिएट अ डेडिकेटेड प्राइवेसी पेज, बिकॉज नाउ देयर आर लॉज लाइक GDPR जिसकी वजह से इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट अ प्राइवेसी पॉलिसी। सो हमने इस लेसन में सीखा कि कैसे परमालिंक्स को यूज करते हुए यू कैन मेक योर साइट नंबर वन ऑन गूगल विद द राइट परमालिंक्स। सक्सेस विल बी आफ्टर यू इफ यू फॉलो गुड क्वालिटी प्रैक्टिसेस। सो स्टे विद अस एंड कीप लर्निंग।